चलिए अब सूर्य कुमार यादव के आपको स्टार्ट्स दिखाते हैं, फिर उनके बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मैच में जो है प्रदर्शन किया। उनके स्टार्ट्स आपके स्क्रीन पर डालते हैं ताकि पता लगे किस ताबड़तोड़ अंदाज में सूर्या ने बैटिंग की है। चलिए एक बार उनके आंकड़े देख लेते हैं। सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए हैं 83, गेंद ली है 35, चौका 7 मारा है, छक्का 6 लगाया है और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 237 का। तो सूर्य कुमार यादव के बारे में आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हालांकि कुछ पारियों से अच्छा खेल रहे थे और आज तो जैसा कुणाल ने बताया दो दो रिकॉर्ड भी बना लिए ना। हाँ मतलब एक सूर्य कुमार यादव का तो रिकॉर्ड था ही, मतलब माइलस्टोन्स तो उन्होंने अचीव कर ही लिए, आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव के बारे में तो उन्होंने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए वो भी बताते हैं, मगर साथ में उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, जो उन्होंने 83 रनों की पारी खेली, 26 गेंदों पे उन्होंने 50 रन अपने पूरे कर लिए थे और ये 6 मैचों में उनका चौथा अर्धशतक है। 6 मैचेस में चौथा अर्धशतक है जो उन्होंने लगाया। एकदम से फॉर्म वापस आई है और जब आई है तो लगातार जो है वो मैचेस जिता रहे हैं टीम को, उस तरीके की पारियां सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। ये आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर है 83, इससे पहले 82 था, तो ये उनका सर्वोच्च स्कोर भी है। और अगर हम बात करें कि उन्होंने, जैसे अभी अलका ने बताया, उनके इस टूर्नामेंट के अंदर, इस T20 लीग के अंदर जो है 3000 रन पूरे हो गए। इस मैच से पहले उनके नाम 2937 रन थे 118 पारियों में, ठीक है, और वो भी करीब 140 की स्ट्राइक रेट से, तो 3000 रन पूरे हो गए। साथ में उन्होंने 106 लगा दिए इस टूर्नामेंट के अंदर। इस पारी से पहले, इस मैच से पहले उनको 4 छक्कों की और ज़रूरत थी ताकि वो अपने 106 पूरे कर सके और इस पारी में भी उन्होंने 6 लगाए, अपने 106 भी पूरे कर लिए और साथ में विरोधी टीम का पूरा दम निकाल के रख दिया। उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली, 6 छक्के उन्होंने लगाए, 4 की उनको ज़रूरत थी अपने 100 माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए। कमाल की पारी सूर्या की तरफ से देखने को मिली और इसी तरीके की सूर्या से हम पारियों को एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब अनऑर्थोडॉक्स जो क्रिकेट खेलते हैं, इधर उधर जो शॉट्स लगाते हैं, 360 कहते हो ना आप, बिल्कुल 360 डिग्री, मतलब इंडियन वर्जन ऑफ 360 डिग्री। वैसे एबी डिविलियर्स 360 डिग्री थे, ये इंडियन वर्जन है उसके। और क्या मतलब वर्जन है, किसी मायने में एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के शॉट्स खेल रहे थे ना, बिल्कुल अलग अलग दिशा में खेल रहे हैं। इसी तरीके से वो जाने जाते हैं, वो बल्लेबाज, वो गेंदबाजों के पास कोई मौका ही नहीं छोड़ते, उनका जो मोरल है वही डाउन कर देते, क्योंकि इस तरीके के शॉट्स जब कोई बल्लेबाज लगाने लगता है ना तो गेंदबाज को समझ ही नहीं आता कि वो बल्लेबाज मिलता क्या, किस तरीके से करेंगे, वो कहां पे उनको घेरे, कहां पे उनको गेंदबाजी करे। उसी तरीके का रुतबा जो है सूर्य कुमार यादव का देखने को मिला। मैच बन सकता था बैंगलोर की तरफ से भी, मगर सूर्या ने मिडल ओवर्स में जो धावा बोला, exactly. ऊपर उनको भेजा गया था क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी है, उस फॉर्म का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। निहाल वढेरा की भी फॉर्म अच्छी है, उन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था, उन्होंने उनका साथ दिया। 140 रनों की साझेदारी होती है, कमाल की है साझेदारी, मैच जो है बिल्कुल निकाल के ले जाते हैं आराम से बैंगलोर के पास से, और बैंगलोर के खिलाड़ी देखते रह जाते।